बड़ा मुद्दा बना हुआ है। नहीं नहीं, किसानों की नाराजगी नहीं आप कह सकते, ये कुछ लीडर जो किसान लीडर हैं वो आपने देखा ही है। पहले तो वो कहते थे हम किसी के साथ नहीं है, पर अब वो सब लीडरशिप जो राहुल गांधी को, आप एक बात सुनिए, मैं एक स्पष्ट कहना चाहता हूं। आप कहते थे भी हमें जी बीजेपी सरकार आगे नहीं आने देती, हमें रोक के रखती है। ये संगठन थे जो किसान ने, किसान को कहां टाइम है यार, खेत से वो अपना ट्रैक्टर चलाता है, मोटर चलाता है, उसे काम है। और ये अब जब उसी पार्लियामेंट में, देश की पार्लियामेंट में जहां बीजेपी की गवर्नमेंट है और प्राइम मिनिस्टर बैठते हैं और सेशन चल रहा था, वही किसान लीडर दिल्ली आए भी, दिल्ली आके वो पार्लियामेंट के अंदर एंटर भी हुए, पार्लियामेंट के एंटर होके राहुल गांधी के दफ्तर में भी बैठे, किसी ने रोका उनको? ये गलत भ्रम फैलाया हुआ है। और एक बार नहीं, दो बार मुंह मिलके गए हैं। हाँ, अगर वो कोई भी आदमी बम लेके, पत्थर लेके, कृपाण लेके, हथियार लेके आएगा, उसे तो आप राजस्थान से भी कोई जाएगा उसे भी रोका जाएगा। लेकिन अगर वो किसी से मिलना चाहते हैं, दिल्ली जाना चाहते हैं, कोई नहीं, किसी ने रोका उनको, सारी लीडरशिप मिलके आई है। लेकिन एक बात मैं कह दूं, चाहे कोई भी स्टेट हो, वो उसका किसान कम रेट ले लेगा, कठिनाई सह लेगा, लेकिन बीजेपी सरकार ने जो एमएसपी है, हर फसल पे एमएसपी है, वो पंजाब और हरियाणा में है, एक दाना भी ऐसा नहीं है जो सरकार नहीं उठाती। तकरीबन 70,000 करोड़ का, 70,000 करोड़ की एमएसपी जो दो क्रॉप पे, जो कनक है और पैडी है, और उसके अलावा जो गन्ना है और कपास है वो अलग, 1,00,000 करोड़ से ऊपर पैसा बन जाता है एक साल का। तो ये चीज किसान लीडर हैं जो, वो बिल्कुल गुमराह कर रहे हैं। आज पंजाब में ये हालात हैं सरकार के, गडकरी साहब ने लेटर लिखी, कोई नेशनल हाईवे है, कोई एयरपोर्ट है, कोई भी ट्रैक है रेलवे का, एक भी इंच कोई चीज बनने नहीं देते, ब्लैकमेल कर रहे हैं सबको। जो किसान है वो जमीन देने को तैयार है, लेकिन जो चंद ये लीडर हैं, ये रोक के अब भाई नेशनल जो प्रोजेक्ट बनने हैं उससे पंजाब का फायदा ही होगा, और वो प्रोजेक्ट भी उन्होंने रोके हुए हैं। इसलिए आज पंजाब का किसान जान चुका है। आप और देखना, ये हरियाणा के रिजल्ट भी आ जाएंगे, अब देखना कैसे दोबारा हमारी वहां भी जीत होगी, और उसके बाद पंजाब में भी किसान। ये गलतफहमी में राजस्थान में मीडिया को भी और लोगों को भी आपके इस बारे बताना चाहता हूं, बिल्कुल किसान नहीं, ये सिर्फ किसान लीडर हैं जिनको बाहर से पैसा आता है, बाहर से फंडिंग होती है, वो लोग ये सब खराबा जो कर रहे हैं। लोग इतने तंग हैं सड़कों से, बिजनेस फेल हो चुका है, लोग फैक्ट्रियां बंद करके जा चुके हैं, ये हालात तो पंजाब में इन्होंने किए हुए हैं। इसलिए ये मैसेज है जो बिल्कुल गलत है, भी किसान नाराज है, किसान बिल्कुल खुश हैं, लेकिन किसान लीडर हैं वो अपना पेट भरने के लिए ये सारा वो प्रोपेगेंडा चला रहे हैं। मैं सरवण सिंह पनेर बोल रहा जी। अज साडी पटियाले च दोवां फोरमां दी मीटिंग हुई हैगी आ। असी मीटिंग दे विच कहा भी जिन्नी जल्दी हो सके जिहड़ा बॉर्डर आ खोले जाण। अज ही भी असी
ਇਹ 13 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਰਹੇ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਰਸਤਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈਗਾ, ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਰਸਤੇ 'ਚ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਹਾਂ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ, ਮਤਲਬ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਦੂਜਾ ਸਾਡਾ ਪੱਖ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰ ਲਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੱਢਣ ਵਾਲੀ ਅਸੀਂ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾਲ ਮਸਲਾ ਨਿਬੇੜਦੀ ਆ ਜਾਂ ਰਸਤਾ ਖੁੱਲ੍ਹਦੀ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹਦੀ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਨੂੰ, ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਬਹੁਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ, ਇਹਦੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣੇ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਜੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਫੰਡਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਜਿੱਦਣ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਜੀ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਸੀ ਉੱਦਣ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਲੱਗ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਂਗਾ। ਤਾਂ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਆ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਗੱਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਤੋ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਏ ਸੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਕੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਆਏ ਸੀ? ਤੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਡੀਰੇਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਕਿਹਾ, ਨਕਸਲੀ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਨਾਲੀ ਦੇ ਕੀੜੇ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਉਪਦਰਵੀ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਵੱਲ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਜੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੋਊਗੀ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਜੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਬਿਆਨਾਂ ਲਈ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨੇ ਔਰ ਅਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿਣ। ਧੰਨਵਾਦ।